अब सब लोगों को अपने सामने लेकर आए, स्क्रीन ऑफ द माइंड, जिनके अलग अलग संस्कार हमें ट्रबल करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये समझते क्यों नहीं। एंड अपने आप को आज आंसर, ये ऐसे इसलिए हैं क्योंकि, क्योंकि व्हाट इज द आंसर, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये रिकॉर्डिंग हुई है। हम सिर्फ बोलेंगे और वो रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी? नॉट हैपन। पहली बात, हमें उस रिकॉर्डिंग को क्या करना होगा? एक्सेप्ट। जैसे ही उसके वो रिकॉर्डिंग को रिजेक्ट किया, हमने उस आत्मा के दर्द को बढ़ा दिया। एंड दैट रिकॉर्डिंग कुड बी एनीथिंग। किसी आत्मा के ऊपर चोरी करने की रिकॉर्डिंग है, किसी आत्मा के ऊपर झूठ बोलने की रिकॉर्डिंग है, किसी आत्मा के ऊपर उससे भी बड़ा गलत काम करने की रिकॉर्डिंग है, बट वो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग है। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? उसको हील कैसे करना है। हमारा फोकस कहाँ चला जाता है? उसकी रिकॉर्डिंग को क्रिटिसाइज करने में। उनकी रिकॉर्डिंग को क्रिटिसाइज करेंगे तो अपनी पहले बैटरी डिप्लीट होगी और फिर उनकी भी बैटरी डिप्लीट हो जाएगी। हमेशा पक्का करना है, वो आत्मा कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ हुआ था, वो संस्कार लेकर आई है। आज चारों तरफ देखो, लोगों के जीवन में क्या क्या हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, यस। यही सारी आत्माएं तो शरीर छोड़ के नया शरीर लेती हैं, रिसाइकलिंग चलती है ना सारा दिन। तो फिर क्या होगा? आज हम बहुत इजीली कहते हैं, आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए, सहन शक्ति ही नहीं है, एडजस्ट ही नहीं कर पाते, रिस्पेक्ट ही नहीं करते, जल्दी जल्दी सेंसिटिव है। वो कौन से बच्चे हैं? वो आजकल के बच्चे कौन से बच्चे हैं जो थोड़े साल पहले कौन थे? थोड़े साल पहले कौन थे? हम में से एक थे, शरीर छोड़ा दूसरा लिया। एक सीडी है, एक म्यूजिक सिस्टम से निकाली, दूसरे प्लेयर में लगाई, तो गाने चेंज थोड़ी हो जाएंगे बीच में? गाने चेंज हो जाएंगे क्या बीच में? तो आज हम जो हैं, जो यहाँ रिकॉर्डिंग है, अगर शरीर छोड़ा, ऐसे की ऐसे सारी रिकॉर्डिंग जाएगी और किसी के घर में छोटा सा बच्चा बन जाएगी, और वो पेरेंट्स उस बच्चे को देखने वाले और कहेंगे, मेरा बच्चा ऐसा क्यों है? बच्चा सिर्फ कॉस्ट्यूम है। बच्चा, बच्चे की एज कितनी है? बच्चे की एज कितनी है? बच्चे की एज कितनी है? हमारे घर में जो बच्चे हैं वो एक्चुअली हमारे से बड़े हैं, है नहीं? कई बार कुछ घरों में लोग कहते हैं, मेरे दादाजी मेरे घर बच्चा बनकर आए। तो फिर बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? वो दादाजी की उतनी एज प्लस उस बच्चे की इतनी एज, और मेरी कितनी? इतनी। तो बड़ा कौन है? वी हैव टू लुक एट द सोल, सोल टू सोल कनेक्शन। बच्चा थोड़ी है, बच्चा तो क्या है? उसका कॉस्ट्यूम है, ड्रेस है, ड्रेस 4-5 साल की है, और हम उसको छोटे बच्चे की ट्रीट करके कभी डांट देते हैं, कभी उस पर हाथ उठा देते हैं। बच्चा है, प्योर डिवाइन सोल है वो, इतनी इतनी यात्रा करके आज इस कॉस्ट्यूम में आई है। अब हर एक आत्मा को देखें जो अपने आसपास है, उनके संस्कारों को एक्सेप्ट करना इजियर हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है? किसके लिए इजियर हो सकता है? यस, ओनली इफ वी लुक एट देम सोल। कुछ तो देखा है इन्होंने, कुछ तो इनके साथ कभी ना कभी हुआ है, ये रिकॉर्डिंग क्रिएट हुई। ये एक्सेप्टेंस हमारे से कैसी वाइब्रेशन देगा उनको? सिर्फ ये एक्सेप्टेंस हमारे से कैसी वाइब्रेशन देगा उनको?
ये पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन उनको पावर देगी अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एक्सेप्टेंस हमारी पावर को बचाए रखेगी। हर एक को रिजेक्ट करते करते हमारी पावर क्या होती जाती है? तो आज से माइंड को लाइट रखने के लिए, हल्का रखने के लिए, शांत और खुश रखने के लिए एक ही मंत्र, हर एक आत्मा को क्या करना है? हर एक आत्मा को क्या करना है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। किसी को देखकर ये नहीं, ये ऐसा क्यों? और जो उनका वो संस्कार है, जो हमें लगता है कि उनके लिए सही नहीं है, तो हम उनको दूसरा संस्कार क्रिएट करने में सहयोग भी देंगे। अब ये बच्चा अगर पैदा हुआ डरा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है ये जीवन भर डरा हुआ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये एक चोट लेकर आया है, लेकिन इसका मतलब नहीं है चोट जीवन भर चलने वाली है। ये अब रोल वहां की फैमिली का हो जाएगा, या तो वो उस चोट को ठीक कर देंगे या वो उस चोट पे और चोट मारेंगे। ये वहां की फैमिली का अब रोल है, राइट? हम एक चोट लेकर किसी के घर जाते हैं, उनके पास चॉइस है, या तो वो उस चोट पे बैंडेड लगा दे, या उनको समझ नहीं आए तो उन्होंने उस चोट पे डंडा मार देना है। ये पेरेंट का रोल है। ऐसे ही हमारा रोल है हर आत्मा के साथ जो हमें मिलती है। लव एंड केयर उस आत्मा की चोट को हील कर देगी, एंड इट विल बी अ फॉरगॉटन एक्सपीरियंस। वो हीलिंग हो जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है? वो संस्कार के बारे में कभी सोचना नहीं, बोलना नहीं, पंत नहीं तो सारा दिन बच्चा देखो कितना डरपोक है, देखो कितना डरपोक है, देखो कितना डरपोक, बार बार वो ही सोचेंगे बोलेंगे तो वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? तो हमारा फोकस ही कौन से संस्कार पे? वो वाले संस्कार पे। तो वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? वो और अफर्म, लीव इट असाइड, इट्स देयर, है वो संस्कार। हमारा फोकस कौन से संस्कार पे होना चाहिए? कि मेरा बच्चा कितना पावरफुल है, क्योंकि पावर हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मेरा बच्चा कितना पीसफुल है, क्योंकि पीस हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। तो जो संस्कार को हम इमर्ज करवाना चाहते हैं, उस संस्कार पे फोकस करेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में बोलेंगे, तो वो वाला संस्कार क्या होता जाएगा? इमर्ज होता जाएगा। दैट इज आवर चॉइस। और अगर हमने वो किया तो हमारे पास पावर है कि दूसरी आत्मा को पावरफुल बना दिया, और उनको एम्पावर करते करते अपनी पावर को क्या कर दिया? अपनी पावर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये हमारा रोल है एक दूसरे के साथ। इजी, 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 वेरी सिंपल। सिर्फ एक नजरिया है, सिर्फ ये याद रखने से इस आत्मा का संस्कार है। हर आत्मा अपने साथ दो ही चीजें लेकर आती है, एक संस्कार और दूसरा उसके कार्मिक अकाउंट, जो उसने कर्मों के हिसाब किताब बनाए हैं। हमें वो दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना होगा, और उसके साथ उसको नर्चर कैसे करना है, चलना है। हम उनके कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन उनके कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर करते करते खुद गलत कर्म कर देते हैं। हमारा कर्म हमारा भाग्य दिखता है, राइट? तो सारा दिन फोकस किस पर होना चाहिए? मेरी सही सोच, बोल और कर्म, क्योंकि वो मेरी एनर्जी है जो मेरा भाग्य लिखती है। जब हम सारा दिन ऐसे चलेंगे तो हम सारा दिन औरों को दुआएं दे रहे हैं, औरों से दुआएं कमा रहे हैं। एनर्जी प्यारी सबको दे रहे हैं, प्यारी एनर्जी सबसे कमा रहे हैं। तो शिव बाबा परमात्मा कहते सबको दुआएं दो, दुआएं लो, ये जीवन का मंत्र है। सबको दुआएं दो, दुआएं लो, जीवन का मंत्र। जो दुआएं देंगे दुआएं लेंगे वो सारा दिन कैसे रहेंगे फिर? जो दुआएं देंगे दुआएं लेंगे वो सारा दिन कैसे रहेंगे फिर? उनको खुश रहने के लिए फिर कुछ करना थोड़ी है।
और दुआएं देना मतलब हर आत्मा के संस्कार को एक्सेप्ट करना। दुआएं देना श्रेष्ठ कर्म, कोई ऐसा कर्म नहीं जिससे दूसरे का मन अशांत हो, और जहां तक हो सके ऐसा कर्म जो दूसरे के मन को शांति और खुशी दे, तब तो पुण्य का खाता इतना बढ़ता जाएगा। हमें लगा दान पुण्य मतलब सिर्फ किसी को खाना खिलाना, किसी को धन देना, किसी को शांति देना, किसी के मन को खुशी देना, जब वो दिया तो अपना पुण्य का खाता क्या हो जाएगा, फिर ऐसे जमा होगा। तो जीवन का लक्ष्य दुआएं कमाना। सारा दिन में क्या क्या कर सकते हैं दुआएं कमाने के लिए, कैसे दुआएं कमाएंगे चेक करो अपनी जीवन में। सारा दिन में क्या ऐसा कर सकते हैं जो दुआएं कमाएंगे, क्या कर सकते हैं ऐसा सारा दिन में कि हम दुआएं कमाएंगे। हर एक के लिए अच्छा सोचे मतलब उनके संस्कार के प्रति जजमेंटल और क्रिटिकल नहीं, और उनके संस्कार को एक्सेप्ट करें। अच्छा सोचेंगे फिर अच्छा बोलेंगे, और अप्रिशिएट करेंगे उनको, और हेल्प करेंगे, और हाँ जी क्षमा करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। और कितने सारे तरीके हैं, हम सारा दिन में बैठ कर ये तो सोचते हैं कितने तरीके हैं पैसे कमाने के, कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से शेयर्स खरीदें, फिर म्यूचुअल फंड भी करें, फिर बैंक में डालें या सोना लें, ये करें वो करें, सारा दिन यहाँ से कहाँ से थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, होता है या नहीं होता, सारा दिन इतना चिंतन करते कैसे पैसे कमाना है, थोड़ा इधर कम है थोड़ा सा ज्यादा करने के लिए यहाँ से निकालेंगे दूसरी जगह लगाएंगे, जितना मेहनत पैसे कमाने पे करते हैं अगर थोड़ी सी अटेंशन इस पे कर लें, सारा दिन में दुआएं कैसे कमानी है आज। तो जो दुआएं कमाएंगे उनके लिए फिर खुश और लाइट रहना, जो धन कमाएंगे उनके पास सामान आएगा, लेकिन जो दुआएं कमाएंगे उनके पास क्या क्या आएगा, उनके पास वो सारी चीजें आएंगी जो धन से नहीं खरीदी जा सकती। देयर इज वन होल लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच मनी कैन बाय, बहुत सारी चीजें इस दुनिया में जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें वो हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। कौन सी चीजें हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, खुशी प्यार शांति और हेल्थ, ब्यूटीफुल हेल्थ और रिस्पेक्ट और लव और हाँ जी मैनर्स कैरेक्टर और दुआ और पीस। सी 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 ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, प्यारे रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। अब चेक करें जीवन में मेरी कौन सी लिस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। एक लिस्ट है कपड़े गाड़ी बंगला फोन फ्रिज वो सारे, और एक लिस्ट है प्यार शांति संतुष्टता रिश्ते सेहत। कौन सी लिस्ट इम्पोर्टेंट थी, सेकंड वन। हमने इस लिस्ट पर इतना टाइम दिया और इस लिस्ट की तरफ देखा ही नहीं, अब हम दोनों लिस्ट पे काम करेंगे, ये भी कमाना है ये भी कमाना है। दोनों में से ऐसे नहीं होना चाहिए एक में लॉस एक में प्रॉफिट, फेलियर बिजनेसमैन, फेलियर। एंड फाइनली अगर दोनों में से एक में लॉस होना भी है कभी, तो कौन सी वैली में लॉस होना चाहिए, जो बाहर वाले। देखो यहाँ बैठ के आंसर कितना डिफरेंट होता है, घर जाके आंसर चेंज हो जाते सारे। सी घर जाके क्या बोलते हैं हम, थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए झूठ बोलना पड़े तो क्या हो, ये सब तो बिजनेस में चलता है। घर जाकर हमारा पूरा नजरिया चेंज हो जाता है, हम कहते हैं यहाँ लॉस हो तो कोई बात नहीं यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। आत्मा जब शरीर छोड़ेगी अपने साथ क्या लेकर जाएगी, क्या लेकर जाएगी, सारा धन जो कमाएंगे सारी प्रॉपर्टी जो बनाएंगे वो अपने बच्चों को दे जाएंगे,
और एंड तक पहुंचते पहुंचते तो कभी कभी उन बच्चों के साथ इतने झगड़े हो गए होते हैं कि देने का मन नहीं कर रहा होता उनका कहीं। आई मीट पेरेंट्स टूडे, कहते हैं मेरा मन ही नहीं है मेरे बेटे को अभी ये सब देख के जाने का, क्योंकि इतना कुछ क्रिएट हो गया उस प्रोसेस के अंदर। और वो क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपना ध्यान रखे बिना धन कमाते गए, तो हमारे झगड़े होते गए, हमने उनको ठीक नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, बिटरनेस बढ़ती गई, क्योंकि आत्मा कमजोर थी जो रिश्ते निभा रही थी, क्योंकि वो आत्मा धन कमाने में अपनी ताकत को गवा रही थी। और ताकत को कैसे गवा रही थी? धन को गलत तरह से कमाने के कारण। तो फिर एंड में वो पैसा भी क्वेश्चन मार्क ही बन गया। चलो सब कुछ भी ठीक रहा तो भी एंड में वो सब कुछ छूट जाएगा, आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाएगी? अपने साथ क्या लेकर जाएगी? शरीर छूट गया, परिवार छूट गया, बाकी जो कमाया वो छूट गया, अंदर जो कमाया वो नहीं छोड़ पाएंगे, वो छोड़ना भी चाहेंगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट हम नहीं छोड़ पाएंगे, हमारे साथ यहाँ से वो आगे जाएगा। जो हमारा आज इस कॉस्ट्यूम में क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो नया कॉस्ट्यूम लेते ही हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। बच्चा क्लीन बैलेंस शीट पे नहीं शुरू होता है, इसीलिए हर बच्चा अलग है। अगर क्लीन बैलेंस शीट पे शुरू होता तो हर बच्चे का भाग्य एक जैसा होता ना। आज बच्चा किस घर में पैदा हो रहा है, आज बच्चे को कौन सा शरीर मिल रहा है, आज बच्चे को महल मिलता है या झोपड़ी मिलती है, आज बच्चे को 50 लोगों का परिवार मिलता है या वो अकेला कहीं ढूंढा जाता है कि कहीं पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड हुई? ये सारी चीजें उसकी इस कॉस्ट्यूम की ओपनिंग बैलेंस शीट है, बेस्ड ऑन उसकी पिछले दिन की क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब वो बच्चे को उस जीवन काल में कमाया हुआ सारा धन भी इस कॉस्ट्यूम में खाना नहीं खिला सकता, नहीं खिला सकता, वो छूट गया। लेकिन वो संस्कार और कर्म अब उसको इस कॉस्ट्यूम में धन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसने पिछली बार जो धन कमाया वो किसी को दुख देकर कमाया, तो अब उस बच्चे के भाग्य में दुख आ गया। वॉज इट वर्थ इट? तो जब भी कोई कर्म करे तो दूरादेशी होकर कर्म करना है। दूरादेशी, मेरे इस कर्म का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है? मेरे इस कर्म का कॉन्सिक्वेंस सिर्फ ये नहीं होता कि बैलेंस शीट में जीरो जीरो बढ़ता जाएगा। अगर वो कर्म किसी को भी थोड़ा सा भी दुख, नुकसान, धोखा देके किया गया है तो उस कर्म का कॉन्सिक्वेंस और भी आएगा, और वो कॉन्सिक्वेंस हमें पसंद आने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान से, लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं डजंट मैटर, देयर चॉइस, उनका कर्म उनका भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। तो बिजनेस करते समय, कारोबार करते समय, जीवन जीते समय, एक है बाहर का अटेंशन, दूसरा यहां प्रॉफिट हो ना हो, यहां लॉस होना नहीं चाहिए, यहां लॉस नहीं होना चाहिए। ये लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड है, ये जो है आज है कल ठीक हो जाएगा, ये जो है इसको ठीक करना अटेंशन। कोई कर्म ऐसा ना हो जो दूसरे को दुख दे। धन कमाएं, बहुत धन कमाएं, लेकिन धन दुआओं के साथ कमाना है, घर आना है। धन दुआओं के साथ घर आना चाहिए, मतलब हमारा काम कारोबार करते समय जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं, सब कुछ जो है वो हमारे से संतुष्ट और खुश रहने चाहिए, तब हमने दुआएं कमाएगी। सिंपल, कौन सा ज्यादा इजी है कमाना? धन्य दुआएं। जैसे प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे है, अभी आजकल दिल्ली में क्या हो रहा है,
फ्लैट खरीदा, जो डेट बताई पूरा नहीं हुआ प्रोजेक्ट, 1 साल 2 साल 3 साल एक्सटेंडेड। जो बिजनेसमैन है, जो वो बिल्डर है, उसका जो भी रीजन हो, पैसे लिए सबसे, उन पैसों को अलग अलग जगह पे लगा दिया, अपना प्रॉफिट बढ़ाते गए। एक टाउनशिप के अंदर, एक टाउनशिप के अंदर अगर सपोज 500 फ्लैट हैं, हर फ्लैट के अंदर अगर 4 लोग हैं, कितने लोग हो गए टोटल? 2000। ठीक है, 2000 लोग अगर 2 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, जस्ट कीप मल्टीप्लाइंग व्हाट इज हैपनिंग। अब ये बिल्डर पैसों को इन्वेस्ट यहां वहां करके अपना बैलेंस शीट में 0-0 तो अच्छे से बढ़ाएंगे, लेकिन वो 2 साल जब ये 365 इंटू 2000 मल्टीप्लाइड एनर्जी बढ़ा कमाएंगे ये सारे लोगों के लिए, क्योंकि वो अपने घर में बैठकर कितने खुश हैं वो लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपना घर बनने का। किसी ने लोन लिया है, किसी के बच्चे की पढ़ाई के पैसे अटक गए क्योंकि उसने सोचा ऐसे, हर एक की कितनी सारी चीजें होती हैं। तो वो बिल्डर अब क्या क्या कमा रहा है, इधर से तो धन कमा रहा है, लेकिन सबसे क्या कमा रहा है? दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट अफोर्ड टू अर्न दिस एनर्जी, वी कैन नॉट। और अब यही चीज अगर उस बिल्डर ने 2 साल में कमिट किया था कि ये पूरा हो जाएगा घर, लेकिन 2 साल से भी 1 महीना पहले दे दिया, तो फिर क्या कमाया? तो फिर वो 1 महीना के कितने सारी दुआएं कमाई। ये सारा दिन चेक करना है कि धन कमाया, लेकिन धन के साथ क्या कमाया। डॉक्टर है, विश्वास करके लोग उनके पास जाते हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने टारगेट पूरे करने के लिए एक एक्स्ट्रा टेस्ट, एक एक्स्ट्रा स्कैन अगर करा दिया तो क्या कमाया, क्या कमाया? ऐसी कमाई घर नहीं लाना है, क्योंकि ऐसी कमाई अपने साथ घर जब आएगी तो वो अपने साथ क्या लेकर आएगी? वो किसी का दर्द लेकर आएगी। जब किसी का दर्द लेकर हम अपने घर धन लेकर आएंगे तो वो हमारे घर, इससे अच्छा धन थोड़ा कम है लेकिन दुआएं साथ में लेकर आए। क्योंकि धन से तो हमने सामान ही खरीदना था सिर्फ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 सामान कम खरीदेंगे, लेकिन दुआएं अगर आएंगी तो हमारे घर खुशी और सेहत तो आएगी। 4 सामान ज्यादा आ गए लेकिन खुशी और सेहत नहीं आई, तो वो सारे सामान का हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे उसका? आज हमारे घर में सब कुछ है लेकिन हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, अब हम करेंगे क्या? सो वी नीड टू चेक हाउ इज द मनी अर्नड। धन प्योर, अन्न जो हम खाते हैं वो प्योर, तो मन प्योर तो तन ऑटोमेटिकली प्योर। जब ये सब कुछ है तो भाग्य कैसा होगा? तो इसलिए बिजनेस में, काम में, कारोबार में, जीवन जीने के तरीके में कहीं भी मिक्सचैरिटी नहीं करनी है, कहीं भी अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना कि थोड़ा सा तो चलता है। अगर अपने आप को कहा थोड़ा सा तो चलता है, तो साथ में ये भी कहना कि भाग्य में भी फिर थोड़ा सा चलता है एक्सेप्ट करना पड़ेगा।